हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को जो 14.2 किलो के आपके गैस सिलेंडर होते हैं, ये तीन गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत बिल्कुल फ्री अप्रैल, मई और जून के महीने में दिए जाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद जिन गरीब महिलाओं के पास पीएम उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस सिलेंडर हैं, उन लोगों के खातों के अंदर 1 अप्रैल के बाद ये पैसा आना शुरू हो गया था। जिन लोगों ने अप्रैल में उस गैस सिलेंडर को बुक करवा कर मंगवा लिया था, उनके खाते में मई में भी पैसा गैस सिलेंडर का डाल दिया गया था। जिन लोगों ने मई के अंदर भी अपना गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना का बुक करवा कर अपने घर पर मंगवा लिया था, अब ऐसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जून के महीने में उनके गैस सिलेंडर के पैसे उनके खाते में किस तरीके से आएंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ चेंज सरकार की द्वारा से उज्ज्वला योजना के जो एलपीजी गैस सिलेंडर है फ्री वाले, उनके अंदर किया गया है। तो यही जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिएगा इस वीडियो को आखिर तक। सरकार ने जो ये नया फैसला किया है, जो नया बदलाव किया है, इसका असर पड़ेगा पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए 8 करोड़ परिवारों के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो बदलाव किया गया है जून के पैसे को लेकर, ये किस लिए किया गया है। तो आपको बता दें कि इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि जो ये 3 महीने में अप्रैल, मई और जून में जो फ्री गैस रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, ये 240.9 लाख रसोई गैस सिलेंडर दिए जाने थे। लेकिन अब तक महज, यानी कि अभी जून का महीना चल रहा है, जून तक महज अभी तक 42% लोगों ने फ्री वाले एलपीजी गैस सिलेंडर ही अपने घर पर बुक करवा कर मंगाए हैं। ऐसे 58% परिवार हैं जिन्होंने अभी तक अपना रसोई गैस सिलेंडर उस पैसे से नहीं मंगवाया है। या तो उन्होंने अपना पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लिया है, या फिर उनके खातों के अंदर वो रसोई गैस सिलेंडर का पैसा जो एडवांस में डाला गया था सरकार के द्वारा, वो पैसा उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर लिया है, या फिर उनका खाते के अंदर ऐसे ही वो पैसा पड़ा हुआ है। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अब जो बदलाव किया गया है तीसरे रसोई गैस सिलेंडर फ्री वाले को लेकर, वो किया गया है। तो अब तीसरा जो गैस सिलेंडर है फ्री वाला, उसका पैसा आपको किस तरीके से मिलेगा। तो आपको बता दें कि आपको जून के महीने में जो तीसरा गैस सिलेंडर है, वो पहले आपको बुक करवाना होगा। आपका जिस भी कंपनी का गैस सिलेंडर है उज्ज्वला योजना का, मान लीजिए आपका इंडियन का गैस सिलेंडर है उज्ज्वला योजना का, जैसे ही आप बुक करेंगे उसकी जो तेल कंपनी है उस कंपनी की वेबसाइट पर यह डाटा अपडेट हो जाएगा कि आपने गैस सिलेंडर बुक करवा लिया है और आपका गैस सिलेंडर आपके घर पहुंच गया है। आपको उसका पैसा पहले देना होगा, तो उसके बाद वो तेल कंपनी आपका पैसा आपके बैंक खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। केंद्र सरकार ने जो तीसरा उज्ज्वला योजना का फ्री वाला एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसके पैसे की सारी व्यवस्था इस तरीके से कर दी है। तो अब यदि आपका अप्रैल के महीने में आपने गैस सिलेंडर ले लिया है, मई के महीने में आपने फ्री वाला गैस सिलेंडर ले लिया है, तो जून के महीने में आपको एडवांस में पैसा नहीं दिया जाएगा, पहले आपको गैस सिलेंडर बुक कराना होगा। सरकार ने अप्रैल में और मई में पहले ही एडवांस में पैसा लोगों के खातों में जमा कर दिया था, लेकिन उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मंगवाए, उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर लिया। यही कारण है कि अब उस गैस सिलेंडर को आपको पहले बुक कराकर पैसा देना होगा, उसके बाद आपकी राशि आपके खाते में जमा कराई जाएगी। जिन खाताधारकों ने अब तक राशि का उपयोग नहीं किया है, उनके पास 31 मार्च 2021 तक का समय अभी बचा हुआ है। तो फ्रेंड, ये थी पीएम उज्ज्वला योजना को लेकर एक छोटी सी अपडेट। आई होप आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी बेहतरीन जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।